तो दोस्तों, आज के वीडियो से हम टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने चर्चा करी थी कि शेयर बाज़ार में किसी भी शेयर को जांचने के, परखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो भाई साहब, फंडामेंटल एनालिसिस, जैसा कि हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका प्रॉफिट अच्छा है कि नहीं, धंधा अच्छा चलेगा कि नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जब हम ये सोचते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। लेकिन अगर हमें इससे कोई मतलब ना हो कि भैया कौन मैनेजमेंट है, धंधा हो रहा है कि नहीं, सेल्स हो रही है कि नहीं, बस हमें देखना है प्राइस मूवमेंट कि कल क्या भाव था और कल क्या भाव हो सकता है, क्यों हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं, तो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस। अब वो टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी ये होती है कि वो एक ही नियम हर चीज़ पर लागू होता है। देखिए, रिलायंस का अगर फंडामेंटल एनालिसिस होगा तो वो बहुत अलग होगा TCS से, या TCS का फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अलग होगा इन्फोसिस से। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में, चाहे आप रिलायंस का एनालिसिस करें या भिंडी का या गोभी का या गोल्ड का या करेंसी का, सब में नियम एक आते हैं, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अभी टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, कई बार सुबह सुबह आप आवाज़ समाचार, CNBC TV 18 वगैरह चालू करते हैं तो ये बड़े ग्राफ्स वगैरह आपको दिखाए जाते हैं, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस इसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन है कि भाई ये रेट जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, इससे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में ये रेट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या क्या होगा। अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती, तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ लिया तो आप गलत नहीं होंगे, गलत आप तब भी होंगे, लेकिन ठीक है, आप कम से कम देखिए इसको ऐसे समझिए, शेयर बाज़ार में सही क्या है ये जानना हर बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने गलत चीज़ें नहीं करी, यानी आप जब जानते कि ये गलती है, ये नहीं करनी चाहिए, तो एटलीस्ट आप थोड़े से बच जाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि आपको गलती करने से बचाना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, यार ये टेक्निकल एनालिसिस, ये चार्ट वार्ट देख के एक्चुअली आप कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि शेयर का रेट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। तो टेक्निकल एनालिसिस के दो तीन एक कंसेप्ट होते हैं जिसमें माना जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें शेयर को इफ़ेक्ट करती हैं, ऑलरेडी प्राइस में वो आ चुकी हैं। यानी एक शेयर अगर 100 रुपये का है तो वो हर चीज़ को देखभाल के वो 100 रुपये पे आया है, आने वाला फ्यूचर, पीछे क्या हुआ था उसका, वो नए नियम कौन से आने वाले हैं, पुराने नियम कौन से हैं, धंधा बढ़ रहा है, प्रॉफिट, सब उसमें 100 रुपये में ऑलरेडी आ चुका है। दूसरी चीज़ है प्राइस जो होती है स्टॉक्स की, वो हमेशा ट्रेंड्स में चलती है, यानी एक ट्रेंड है, ऊपर जा रही है तो ऊपर जाएगी, नीचे जा रही है तो नीचे जाएगी, उसका एक ट्रेंड होता है, उसका स्पेसिफिक पैटर्न होता है। और तीसरा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी अगर हमने पहले देखा कि यार पहले ये ट्रेंड आया था और ऐसा ऐसा चला था, तो चांस ये है कि वापस ऐसा होने वाला है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पर टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। तो देखिए साहब, आपने कई बार ऐसे चार्ट्स देखे होंगे, निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी शेयर के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इस प्रकार के चार्ट को हम लाइन चार्ट कहते हैं। अब भैया देखिए क्या होता है, जैसे आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख को शेयर बाज़ार या किसी शेयर का रेट कहाँ ख़त्म हुआ, कहाँ बंद हुआ, ये मान लीजिए इस पॉइंट पे आ गया। 2 तारीख को कहाँ बंद हुआ, यहाँ आ गया। 3 तारीख को कहाँ हुआ, यहाँ। 4 कहाँ, 5, यानी हर दिन जब शेयर बाज़ार जहाँ बंद हुआ, हम उसकी इन्फॉर्मेशन इस चार्ट में दे देते हैं। चार्ट बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम है, केवल क्लोजिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस हमको मिलती है। तो एनालिसिस करना कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन उससे बेहतर तरीका है शायद, तो हम इससे बेहतर तरीके पे जाएंगे। देखिए, ये होता है कैंडलस्टिक चार्ट, आपने कई बार देखे होंगे, इस प्रकार के चार्ट देखे होंगे। अब वो पिछला वाला लाइन चार्ट था, ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अब आप देख रहे होंगे कि ये अजीब अजीब सी लाइनें बनी हुई हैं, तो आइए इन लाइनों को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए, बेसिकली हर दिन का एक कैंडलस्टिक होता है, कैंडलस्टिक यानी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कैंडलस्टिक कहलाता है। अब देखिए, शेयर बाज़ार कहीं ना कहीं ओपन हुआ होगा, कहीं ना कहीं शेयर का भाव ये ओपन ऊपर से ऊपर रेट गया होगा, जैसे 100 रुपये पे खुला था, अब वो 150 तक गया, तो ये हाई हो गया उसका। हो सकता है उसका नीचे गया, 80 रुपये पे आ गया, ठीक है, ये उसका लो हो गया, और बंद कहाँ हुआ, 130 पे। तो बेसिकली एक कैंडलस्टिक में आपने चारों इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाई से हाई रेट क्या गया, लो से लो रेट क्या गया, ओपन कितने पे हुआ था और क्लोज कितने पे हुआ। लेकिन आप कहेंगे कि भाई साहब, ओपन और क्लोज कैसे पता चलेगा, हो सकता है नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज होने की जगह ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज हुआ होगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो बाजू में आप देखिए,
तो यहाँ पे सेम का सेम कैंडल स्टिक है लेकिन ये लाल रंग का है। तो जब हम लाल रंग का कैंडल स्टिक देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो ऊपर वाला है इसको हम ओपन मानेंगे और इसको हम क्लोज मानेंगे अगर वो लाल रंग है, और अगर हरा है तो हम मानेंगे कि ये ओपन था और ऊपर वाला क्लोज था। तो ये बहुत ही बेसिक्स कंसेप्ट है कैंडल स्टिक का, लेकिन इससे ब्यूटी क्या, इससे फ़ायदा क्या होता है। देखिए जब हम ये वाला लाइन चार्ट देख रहे थे तो हमको बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, केवल क्लोजिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस मिल रही थी। लेकिन जब हम ये पैटर्न देखते हैं तो आप देखिए हमको चार चार इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे अब मान लीजिए ये हरा वाला दिख रहा है तो इसको हमको पता चल गया भैया ओपन यहाँ हुआ था, ऊपर तक ऊपर यहाँ गया, नीचे से नीचे यहाँ गया और यहाँ क्लोज हो गया। ये लाल वाला देखेंगे तो पता चलेगा भैया ओपन यहाँ हुआ था, नीचे से नीचे यहाँ गया, ऊपर से ऊपर यहाँ गया और क्लोज यहाँ हुआ। यानी एक सिंगल जगह पे हमको चार इन्फॉर्मेशन मिल गई, और इसीलिए कैंडल स्टिक चार्ट को ज़्यादा बेहतर माना जाता है लाइन चार्ट से। और भी बहुत प्रकार के चार्ट होते हैं लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स की। जैसा कि हमने कहा कि भाई शेयर बाज़ार हमेशा क्या करता है, एक पैटर्न में चलता है। अब अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि करीबन करीबन यहाँ पे बार बार रेट आ आ के ऊपर जा रहा है। यानी हर बार शेयर का देखिए दाम गिरता गया गिरता गया गिरता गया, यहाँ तक आया एकदम से बाउंस हुआ, फिर क्या हुआ फिर नीचे गया, फिर यहाँ करीबन आ हुआ बाउंस हुआ, फिर यहाँ गया फिर यहाँ से बाउंस हुआ। यानी अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें तो हमको पता चलेगा कि यार ये एक ऐसा रेट है जहाँ से बार बार ये शेयर का दाम वापस ऊपर चला जाता है। तो इसको हम सपोर्ट लेवल कहते हैं, एक ऐसा लेवल जहाँ पे जाके शेयर का दाम उससे नीचे जाने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। इसी को उल्टा कर लेते हैं, अब हम देखेंगे कि शेयर का दाम ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अब यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया ऊपर गया, फिर यहाँ से आके रुक गया, फिर ऊपर गया ऊपर गया, फिर आके रुक गया। यानी अब हम यहाँ पे यही लाइन ऊपर साइड खींच सकते हैं। यानी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जाके शेयर का दाम बार बार नीचे आ जाता है। यानी एक तरफ हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं, यानी वो दाम जहाँ से रेट वापस ऊपर जाने की संभावना है, और एक हमने बात की, अब ये जो लाइन देखी ये है रेजिस्टेंस, यानी इस दाम से ऊपर जाने की संभावना थोड़ी सी कम है। यानी आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए अब इस चार्ट के पैटर्न को हम देखेंगे कि बार बार देखिए रेट यहाँ तक आया फिर ऊपर गया लेकिन यहाँ रुक गया, फिर नीचे आया फिर यहाँ तक आया फिर रुक गया, फिर ऊपर गया यहाँ रुक गया, फिर नीचे आया यहाँ रुक गया। तो देखिए बेसिकली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बाजार में हमेशा होता है। अब वो आइडेंटिफाई करना आपका काम है कि कहाँ पे हम सपोर्ट मान सकते हैं और कहाँ पे हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं। और मान लीजिए आपको ये समझ में आ गया तो कितना बढ़िया है, जब जब शेयर इस रेट पे आए खरीद लीजिए, जब जब शेयर इस रेट पे आए बेच दीजिए। देखिए इतना आसान नहीं होता, पर हम दोनों जानते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये नियम टूटते नहीं है, नियम टूटते हैं, अगर नियम नहीं टूट रहे होते तो हर आदमी करोड़पति होता। लेकिन हाँ जैसा कि मैंने कहा कि गलतियाँ हमें जानकारी होनी चाहिए, यानी अगर शेयर का रेट यहाँ कहीं है तो कम से कम खरीदिए मत, और अगर शेयर का रेट यहाँ कहीं है तो कम से कम बेचिए मत, तो उससे कम से कम गलती करने की आपकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी। आइए अब जैसे ट्रेंड लाइन्स होती हैं, अब हम ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं। अब आप देखिए हमने थोड़ा सा अलग अलग चार्ट लिया, अब आप देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे दाम था, शेयर का रेट बढ़ा फिर नीचे आया, फिर ऊपर बढ़ा फिर नीचे आया, फिर बढ़ा फिर नीचे आया। तो क्या मैं इन लोअर लोस को, ये जो सबसे सबसे नीचे जो रेट्स हैं, क्या उसको देखता हुआ एक लाइन खींच सकता हूँ साहब? बिल्कुल खींच सकता हूँ। तो इस टाइप की लाइन्स को हम कहते हैं ट्रेंड लाइन्स, और ये ट्रेंड लाइन हमको एक बताती है कि भैया जो सपोर्ट है ये कहाँ है। यानी अगली बार अगर ये रेट गिरने की शुरुआत हुई तो यहाँ कहीं पे इसी लाइन को हम आगे खींच देंगे तो अब ये सपोर्ट देगा। यानी यहाँ कहीं पे हो सकता है अगर शेयर का दाम गिरे तो यहाँ कहीं से उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। उल्टा कर लेते हैं साहब, अब ये इसी प्रकार का पैटर्न है लेकिन ये डाउन ट्रेंड में है। यानी रेजिस्टेंस देखिए, रेट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। यानी हम देख रहे हैं कि इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो अगेन जैसा कि हमने कहा कि भैया एक होता है सपोर्ट, अब देखिए ये सपोर्ट लेवल की लाइन हमने खींच दी, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अच्छा कहाँ कहाँ पे रुक रहा है? रेजिस्टेंस लेवल पे। तो देखिए साहब, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमेशा मार्केट में होते हैं, हाँ ये आइडेंटिफाई करना आपका काम होता है। अब देखिए और आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, हम देख रहे थे कि हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन खींची हुई थी, ये बहुत बढ़िया सपोर्ट लाइन थी,
बार बार शेयर आ रहा था यहाँ पे, फिर ऊपर जा रहा था, फिर आया था, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, लेकिन एक बार इसने ये सपोर्ट तोड़ दिया। ऐसा होता है, कई बार हम सपोर्ट तोड़ते हैं, कई बार हम रेजिस्टेंस को भी तोड़ते हैं, तो ये तो नेचुरल है, कोई ये ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है कि ये रेट कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही अब ये लाइन हमने तोड़ी, अचानक से जो लाइन सपोर्ट की थी वो रेजिस्टेंस बन गया। अब इसके ऊपर जैसे गए, यहाँ से अब हम नीचे आ गए। तो ऐसा हमेशा होता है कि जैसे ही एक लाइन टूटती है, सपोर्ट का लाइन टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और कभी कभी जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट हो जाता है। आइए एक काम करते हैं, एक लाइव एग्जांपल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साहब, ये निफ्टी का चार्ट है, ये लाइव चार्ट है। लाइव मतलब ये आज 22 अप्रैल है 2021, तो ये 2022 21 तक का, सॉरी, ये चार्ट है। अच्छा देखिए, अब चार्ट की भी, जो हमने कैंडल स्टिक चार्ट देखा, इसकी भी ब्यूटी होती है। आप इसको अलग अलग पैटर्न्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये वन डी, वन डे यानी वन डे, यानी एक सिंगल, ये जो आपको कैंडल स्टिक है एक दिन का मूवमेंट बता रही है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं साहब, है ना? ठीक है, ऑल राइट जी। देखिए इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, ऑल राइट, लेकिन हम चाहें तो वन डे की जगह इसको 1 वीक का भी कर सकते हैं। तो अब ये जो एक कैंडल स्टिक है वो बेसिकली, अब वो एक दिन का बताने की जगह वो एक पूरे हफ्ते का इन्फॉर्मेशन दे रही है, यानी ये एक दिन की इन्फॉर्मेशन नहीं, एक हफ्ते की है। क्या मैं इसको कम कर सकता हूँ? मैं इसको 1 मिनट का भी कर सकता हूँ। अब ये 1 मिनट का चार्ट आ गया साहब। तो देखिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 मिनट का चार्ट देखना चाहते हैं, 5 मिनट का या एक दिन का। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सिंगल डे में जो ट्रेडिंग करते हैं, वो नॉर्मली 1 मिनट का या ये 5 मिनट का चार्ट देखते हैं नॉर्मली। तो हम उससे, हम बॉदर्ड नहीं है, हम बेसिकली हम थोड़ा सा बड़ा ही देखेंगे। आमतौर पर हम एनालिसिस जब करेंगे तो हम 1 डे का ही एनालिसिस किया करेंगे इस क्लास में। चलिए साहब, तो ये आप देख रहे हैं कि भाई ये हमारा चार्ट है निफ्टी का। तो क्या अब हम यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। आइए साहब, ड्रॉ करते हैं, तो थोड़ा बड़ा कर लें इसको, थोड़ा सा आसान रहेगा, अच्छा लगेगा आपको देख के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, ये वाला जो हिस्सा हमको दिख रहा है, क्या हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? क्या ड्रॉ करना है हमको? एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आइए, क्या हम यहाँ कहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ये वर्टिकल हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हमको करनी थी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस लाइन को हम हटा दें, कोई बात नहीं, बाद में हटा देंगे। आइए, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, देखिए साहब। अब आप इसको देखिए तो आप देखेंगे कि करीबन करीबन निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल ये दिख रहा है, यानी 14,241, 14,241 का लेवल है। आप देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर इधर से सपोर्ट लिया, फिर गया। अच्छा, थोड़ा सा तोड़ा था, कई बार टूटता है, लेकिन फिर वापस ऊपर आया। यानी हम देख रहे हैं 14,241 का एक अच्छा सपोर्ट है। बार बार देखिए, यहाँ पे अगले दिन कई बार इस लेवल को निफ्टी ने रोका है, यानी निफ्टी इसके नीचे जाने से पहले रुक रहा है, यानी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। हो सकता है आने वाले दिनों में ना टूटे, लेकिन अगर ये टूट गया तो एक संभावना बन जाएगी कि ये थोड़ा नीचे जाएगा। अब वो नीचे कहाँ तक जाएगा? तो भाई यहाँ तक जा सकता है। अब यहाँ तक क्यों भैया? 13,604 हमने क्यों माना? क्योंकि पिछली बार मार्केट जब गिरा था तो 13,604 से उसने सपोर्ट लिया था, और उसके बाद ऊपर जाने की शुरुआत करी थी उसने। तो देखिए, ये हमको देखना पड़ता है, ये हमारे ऊपर रहता है कि भाई हम अपना एनालिसिस है, सही गलत हो ही सकता है। अच्छा, इसको और तरीक़ों से भी ले सकते हैं। अब आप ऊपर देखिए, अगर हम यहाँ देखें करीबन करीबन यहाँ पे, अब हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस लेवल से जाके बार बार नीचे आ रहा है, यानी 15,300 के आसपास का एक लेवल है जो बाज़ार ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो अगर हम एक पैटर्न माने तो हमको एक दिखेगा कि 14,240 से 15,300 के आसपास तक का भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। देखिए, ये ट्रेंड लाइन से हम थोड़े अलग प्रकार से भी देखिए। अब थोड़ी सी लंबी ट्रेंड लाइन लें हम लोग। चलिए साहब, आइए इसको हटा देते हैं, इन लाइंस को हटाते हैं। आइए दूसरे प्रकार से लाइन लेने की कोशिश करते हैं हम। आइए देखिए, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे लाइन एक खींचने की। देखिए,
इतनी अच्छी नहीं खींची, चलो छोड़िए इसको हम हटाते हैं एक मिनट। हाँ इसको थोड़ा सा और नीचे करें, आइए यहाँ खींचते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब ये एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींची है निफ्टी की। अब आप देखेंगे कि निफ्टी ऊपर गया फिर यहाँ रुका, फिर ऊपर गया फिर यहाँ रुका, फिर ऊपर गया यहाँ के आसपास। यानी क्या हम इसको एक ट्रेंड लाइन मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। यानी यहाँ पे इस एरिया के आसपास 13,995, 14,000 मान लीजिए, यानी 14,000 के आसपास निफ्टी का अच्छा सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन के अनुसार। तो ये आपके ऊपर है कि आप ट्रेंड लाइन्स को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ सपोर्ट मानते हैं, कहाँ रेजिस्टेंस मानते हैं। मुझे लगता है कि शायद थोड़े बेसिक्स हम जान पाए आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। जो भी चीज़ों में कन्फ्यूजन आया हो कृपया मुझे मैसेज करिए, और कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन रहा, क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए हमें वीडियो में आप बताइए। और अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और नया कंसेप्ट हम टेक्निकल एनालिसिस का करेंगे। इस सीरीज़ में हम टेक्निकल एनालिसिस को जितना कवर कर पाएंगे उतना करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए, आपका इनकरेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।